प्रैगमेटिक्स डिवेलपमेंट डे स्टूडेंट मुझे इस मॉड्यूल में आपसे प्रेगमेटिक्स डिवेलपमेंट के बारे में बात करनी है तो वट इज़ लैंगज डिवेलपमेंट वट इज़ प्रेगमेटिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिंग्विस्टिक फॉर्म्स एंड दूस यूजर्स दोज फॉर्म्स इससे मुराद ये है कि ये ना सिर्फ लैंग्वेज फॉर्म्स की स्टडी है बल्कि यूजर्स uh, की जो है स्टडी भी है कि इन फॉर्म्स को वो किस तरह यूज़ करते हैं इस उसके उनके सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात भी हम इसमें करते हैं तो स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शंस थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक्स साइंस वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन रियल सिचुएशन तो प्रेगमेटिक्स रेफर्स टू द द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी यूज़ द लैंग्वेज के कम्युनिटी के मेंबर्स किस तरह लैंग्वेज को यूज़ करते हैं द वे द स्पीक टू देयर पेरेंट्स इज़ नॉट द सेम वे वी स्पीक विद अवर फॉल फैलो चिल्ड्रन तो अपने पीयर्स के साथ हम जिस तरह बात करते हैं हम अपने पेरेंट्स से मुखलफ अंदाज में बात करते हैं द लैंग्वेज यूज इन अ फॉर्मल कन्वर्सेशन मे हैव लेस रिजेंबलेंस टू वट वी कुड हीयर एट द लंच विद अवर फैलो चिल्ड्रन इस्तेमाल ये है कि लैंग्वेज जो हम फॉर्मल लैंग्वेज हम जिस तरह यूज़ कर रहे हैं वो उससे बिल्कुल डिफरेंट होगी जो हम लंच पर अपने साथियों से बात करें तो इसका मतलब है ये जो हम प्रेगमेटिक्स में हम आ, जो इसके स्टाइल्स हैं डिफरेंट लैंग्वेज के या जो डिफरेंट उसके सिचुएशनस हैं क्योंकि ये रियल सिचुएशन में हम लैंग्वेज का स्टडी कर रहे होते हैं और कॉन्टेक्स की भी हम स्टडी कर रहे हैं तो प्रैग्मैटिक्स डील विद द नोइंग द डिफरेंस बिटवीन द टू स्टाइल्स एंड व्हेन वी यूज द विच स्टाइल तो दो स्टाइल्स में भी ये डिफ्रेंशिएट करती है और ये भी बताती है कि किस वक्त कौन सा स्टाइल हमने यूज़ करना स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ऑफ प्रे प्रेगमेटिक इन प्री स्कूलर्स वो कैसे हैं टर्न टेकिंग प्री स्कूलर्स जो है लर्न टू टेक टर्न्स इन कन्वर्सेशन वो गुफ्तु में टर्न टेकिंग सीखते हैं और वो बात करते हुए उस वक्त तक वेट करते हैं जब तक कि नेक्स्ट जो अपनी, अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सकता ठीक है और फिर दे आल्सो लर्न टू यूज़ नॉन वर्बल क्यूज़ सच एज़ आई कॉन्टेक्ट टेस्टर्स एंड सिग्नल दैट दे रीड टू रेडी टू स्पीक यानी वो जब बोलना चाहते हैं जो जेस्टर्स हैं आई कॉन्टेक्ट्स हैं वो भी इसमें वो सीखते हैं फिर पोलाइटनेस तो जो जो बच्चे मेचोर होते हैं उनकी एज बढ़ती है उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के जो साइंस हैं वो बढ़ते हैं यानी उनकी लैंग्वेज मेच्योर होती है जब तो वो डिवेल्प पोलाइट लैंग्वेज सच एज़

वो अपने टॉपिक का कायम रहने की कोशिश करते हैं अपने टॉपिक से नहीं हटते और अगर वो हट जाएंगे तो उसके लिए फिर वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करके टॉपिक पे आते हैं रिपेयर uh, स्ट्रेटजीज, तो प्री स्कूलर्स अगे बिगेन टू यूज़ रिपेयर स्ट्रेटजीज व्हेन कम्युनिकेशन ब्रेक्स डाउन जब वो टॉपिक मेंटेन ना कर सकें या उनका जो कम्युनिकेशन uh, ब्रेक हो जाए तो वो uh, रिपेयर स्ट्रेटजीज यूज करते हैं जैसे कि रिपीटिंग और रीफ्रेजिंग व्हाट दे सेड और आस्किंग फॉर क्लेरिफिकेशन यानी क्वेश्चन करके ठीक है और रजिस्टर्स प्री स्कूलर्स डिवेल्प अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज स्टाइल्स आर रजिस्टर्स तो लैंग्वेज अप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट सोशल सिचुएशन यानी वो डिफरेंट स्टाइल्स सीखते हैं जो डिफरेंट सिचुएशन में वो लैंग्वेज सूटेबल होती है अब इस पिक्चर में भी अगर आप देखें तो सबसे पहले जो इसकी इब्तदाई शक्ल है यह स्टेज है बेसिक कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस सो कम्युनिकेटिंग विदाउट ग्रामर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फिर नेक्स्ट उसकी स्टेज जो आएगी एनहैंस्ड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस यूजिंग लैंग्वेज करेक्टली एक्सेप्टिंग द रूल्स थैंक्स टू इंक्रीज क्रामेटिकल कॉम्पिटेंस और फिर है प्रैगमेटिक कॉम्पिटेंस तो ये जो समझ लें कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की बच्चों में जो प्री स्कूलस में लास्ट स्टेज है यूजिंग लैंग्वेज इन सोशल सोशोकल्चरली अप्रोप्रिएट वे और थैंक्स टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स एंड सोशल नाम्स तो हम चूँकि इसमें लैंग्वेज की स्टडी करते हैं रियल सिचुएशन में और लैंग्वेज इन यूज की हम स्टडी करते हैं मिसाल के तौर तो पर दे मे यूज डिफरेंट लैंग्वेज विद फ्रेंड्स देन दे वुड विद एडल्ट दीज प्रेगमेटिक स्किल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन एंड ले द फाउंडेशन फॉर मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ इन लेटर ईयर्स तो सोशल कम्युनिकेशन में आगे सोशल इंटरेक्शन है सोशल कग्नेशन है प्रैगमेटिक्स है और लैंग्वेज प्रोसेसिंग तो ये इस ये डिफरेंट जो हम इसके स्टेप्स हैं उनको हम फॉलो करके इनको हम कर सकते हैं लैंग्वेज को इन्हांस कर सकते हैं और आगे इनको डेवलप कर सकते हैं तो प्रैगमेटिक डेवलपमेंट के हवाले से जो इसको अगर हम इसको, इसको इसकी जो डिफरेंट है इसकी चीज़ें हैं उनको हम इस जो पिक्चर्स है उसमें हम देख सकते हैं कि यूज इन डायरेक्ट रिक्वेस्ट करेक्टली यूज दिस दैट हेयर एंड देयर यूज ट्वाइस एज मैनी इफेक्टिव अट्रेंसेज एज थ्री ईयर्स ओल्ड टू डिस्कस इमोशंस एंड फीलिंग्स नगरटिव डेवलपमेंट करेक्टराइज बाई अनफोकस्ड फोकस्ड स्टोरीज हैव सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बट नॉट सेंट्रल करेक्टर आर थीम इसी तरह आगे के यूज द कॉन्टीजेंट टीज टू मेंटेन अ कन्वर्सेशन क्रिएट इंटरेस्ट इन लिसनर्स बाय इनडायरेक्ट रेफरेंसिंग और कम्युनिकेट नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड टू पियर एंड एडल्ट्स फिर आगे नेक्स्ट अगर हम देखें कि रिस्पोंड अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग द कॉन्सेप्ट ल आंसर आस्क वेयर वेन वाई हाउ ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है तो और इनको जो जो बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है तो वो उस वक्त उसको वो जवाब देता Extends topic है एक्सटेंड्स टॉपिक है आस्क परमिशंस टू यूज अदर बिलोंगिंग्स यूज सच टर्म्स एज थैंक यू प्लीज यानी जब वो सोशल uh, हो जाता है यू आर वेलकम अप्रोप्रिएटली एट्सेट्रा तो ये प्रैगमेटिक डेवलपमेंट के की मुख्तफ एग्ज़ाम्पल्स हैं जो इस पिक्चर में आ, आपको मैंने बताई हैं